ये हाथ उठाने की बड़ी महिमा है। जब द्रौपदी संकट में पड़ गई थी, जब द्रौपदी का वस्त्र हरण हो रहा था, उस समय वहां पर वह सभा में उपस्थित सभी क्षत्रियों से विनती कर रहे थे कि मेरी रक्षा कीजिए, मेरी रक्षा कीजिए, मेरी रक्षा कीजिए, मेरी रक्षा कीजिए। तो सारे बड़े बड़े अतिरथि महारथी जो वहां उपस्थित थे, जैसे कि भीष्म पितामह, गुरु द्रोणाचार्य, कुलगुरु कृपाचार्य और भी बड़े बड़े क्षत्रियों का समाज वहां उपस्थित था, लेकिन किसी एक की भी हिम्मत नहीं हुई थी, किसी एक की भी हिम्मत नहीं हुई थी कि वे द्रौपदी की सहायता के लिए आगे आ सके। द्रौपदी सबसे विनंती की है उसने, और जब कोई सहायता करने नहीं आया, तब द्रौपदी को अपने गुरुदेव के वचनों का स्मरण हुआ। उसके गुरु महाराज ने कहा था कि द्रौपदी जब भी तू संकट में गिरे, ये भी, और कोई तेरी सहायता करने वाला नहीं है, उस समय द्वारिकाधीश को याद कर। तो द्रौपदी ने सोचा कि चलो मैं एक हाथ से, मतलब उसने तीन श्लोकों में भगवान को पुकारा, तो एक हाथ से भगवान को पुकार रही थी और एक हाथ से अपने साड़ी को पकड़ रही थी। अब विचार कीजिए कि दुशासन, जिसके पास 10,000 हाथियों का बल था, वो साड़ी खींच रहा है, तो साधारण व्यक्ति नहीं खींच रहा था, जिसके 10,000 हाथियों का बल हो, हाथी वो मनुष्य नहीं, ऐसा व्यक्ति यदि कोई साड़ी खींच रहा हो तो उसकी क्या दशा हो जाएगी। तो द्रौपदी फिर भी इस भरोसे के साथ कि मैं अपने आप को बचा लूंगी, और एक हाथ से भगवान को पुकार रही थी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। उसको पता चला कि मेरा जो बल है वो इसके सामने कुछ नहीं है। तब उसने अब दोनों हाथ उठाकर भगवान को स्मरण किया। उसने कहा, कृष्ण मुझे बचाए, द्वारकाधीश है श्री कृष्ण, मुझे बचा लीजिए। जैसे उसने दोनों हाथ उठाकर संपूर्ण समर्पण कर दिया, उसी क्षण भगवान श्री कृष्ण ने सारी का अवतार ही ले लिया, सारी का अवतार ले लिया। अब भगवान ने बोले थे, खींच दुशासन, तू तेरे में कितने तेरे हाथियों का जितना बल लगा ले। भगवान अपने आप को साड़ी के रूप में विस्तारित कर रहे थे। पांडवों के सर नीचे झुके थे, भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य सबके सर नीचे झुक गए थे, क्योंकि वो कुछ नहीं कर पाए थे। और वो लोग सोच रहे थे कि अब द्रौपदी नग्न होने जा रही है, तो हम कैसे देखें। तुम सबके सर नीचे झुके हुए थे, लेकिन यहाँ पर भगवान अपने भक्तों की लाज कैसे बचाते हैं, ये इस घटना से पता चलता है। तो ये हाथ ऊपर उठाएंगे बड़ी में, भगवान दोनों हाथ ऊपर उठाना मतलब पूरी तरह से भगवान को समर्पित करना कि प्रभु मैं पूरी तरह से आपके समर्पित हूँ, मैं अपने आप को आपके चरणों में अर्पित करती हूँ, तो मुझे कृपा करके स्वीकार कीजिए, मेरी रक्षा कीजिए, मुझे बचाइए। तो ये हाथ उठाने की बड़ी महिमा है।